2017 में आई मूवी इट हॉरर जॉनरे की बहुत ही पॉपुलर मूवी है। इस मूवी में दिखाए गए क्रिएचर पेनीवाइज के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। ऐसा कहा जाता है कि पेनीवाइज दूसरी दुनिया से आया हुआ एक मिस्टीरियस क्रिएचर है जो कि कोई भी रूप ले सकता है, पर बच्चों को अपने पास लाने के लिए वो एक क्लाउन यानी जोकर के रूप में दिखाई देता है। पेनीवाइज हर 27 साल के बाद वापस शिकार करने के लिए आता है और अमेरिका की डेरी मेन नामक जगह पर अपना आतंक मचाता है। पेनीवाइज के आने से केवल बच्चे ही नहीं लेकिन बड़े भी सहम जाते हैं। हालांकि पेनीवाइज ज्यादातर सिर्फ बच्चों को ही अपना शिकार बनाता है। इस वीडियो में मैं आपको पेनीवाइज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फैन थ्योरीज के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है पेनीवाइज के हाथों में दिखने वाले बलून्स। लोगों को अक्सर लगता है कि पेनीवाइज अपने हाथ में बलून्स इसलिए लेकर रखता है क्योंकि बच्चे बलून से अट्रैक्ट होते हैं, पर कुछ थ्योरीज के मुताबिक इसका कुछ और ही कारण है। पेनीवाइज के हाथों में जो बलून होते हैं असल में उनमें उन बच्चों की आत्मा होती है जिसे पेनीवाइज ने मारा होता है। वो उन बच्चों की आत्मा को कैद करके रखता है जिससे मरने के बाद भी वो बच्चे पेनीवाइज के चंगुल से छूट नहीं पाते। उन बच्चों की स्पिरिट्स के कारण वो बलून्स हमेशा फ्लोट करते रहते हैं और पेनीवाइज अपने नए शिकार को ढूंढने के लिए उनका इस्तेमाल करता है। दूसरे नंबर पर है रियल फॉर्म ऑफ पेनीवाइज यानी कि उसका असली रूप। थ्योरीज के मुताबिक पेनीवाइज किसी दूसरे डायमेंशन से पृथ्वी पर शिकार करने के लिए आता है और बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्लाउन का रूप रखता है, लेकिन उसका असली रूप कुछ और ही है। कुछ लोग मानते हैं कि पेनीवाइज का रियल फॉर्म एक जायंट स्पाइडर है जो कि अपने टेंटिकल्स से बच्चों का शिकार करता है। कुछ लोगों ने पेनीवाइज को मम्मी और ड्रैकुला के रूप में भी पिक्चराइज किया है, पर उसका असली रूप क्या है ये कोई नहीं जानता। लोग बताते हैं कि पेनीवाइज का असली रूप इतना भयानक है कि उसे कोई समझ या देख नहीं सकता। वो जिस दुनिया से आता है वहां से जुड़ी हुई चीजें इंसानों की सोच से भी परे हैं। तीसरे नंबर पर है डेरी मेन शहर से पेनीवाइज का कनेक्शन। ऐसा कहा जाता है कि पेनीवाइज की सोल अमेरिका के शहर डेरी मेन से जुड़ी हुई है और इसीलिए वो हमेशा इसी शहर में देखा जाता है। जब तक ये शहर मौजूद रहेगा तब तक धरती पर पेनीवाइज को आने से कोई नहीं रोक सकता। भले ही पेनीवाइज की फिजिकल बॉडी को मार दिया जाए, पर उसकी प्रेजेंस किसी न किसी रूप में डेरी मेन में हमेशा देखी जाएगी। थ्योरीज के मुताबिक जब डेरी शहर पूरी तरह से तबाह होगा तभी पेनीवाइज हमेशा के लिए धरती से जाएगा। तो दूसरे तरीके से कहा जाए तो पेनीवाइज का खात्मा होने पर डेरी मेन शहर भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चौथे नंबर पर है पेनीवाइज कैन ईट एनीथिंग यानी कि पेनीवाइज दुनिया की कोई भी चीज या इंसान को खा सकता है, इसीलिए पेनीवाइज को ईटर ऑफ द वर्ल्ड्स भी कहा जाता है, यानी कि वो अलग अलग डायमेंशंस की पूरी दुनिया को खाकर खत्म कर सकता है और उसको बच्चों के डर से ताकत मिलती है, इसीलिए अपने शिकार को मारने से पहले पेनीवाइज उनको डराता है ताकि वो अपने शिकार को इंजॉय कर सके। पांचवें नंबर पर है पेनीवाइज की पावर्स। थ्योरीज के मुताबिक पेनीवाइज अपना रूप बदल सकता है, इनविजिबल हो सकता है, सीवर के थ्रू कहीं पर भी जा सकता है, किसी भी इंसान को अपना शिकार बना सकता है, किसी भी आदमी की आत्मा को अपने कब्जे में ले सकता है और डेविल को समन करके किसी भी इंसान के अंदर भेज सकता है। इंसान के अलावा वो किसी भी लिविंग चीज जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स की सोल्स को भी अपने कब्जे में ले सकता है। पेनीवाइज का जन्म करीब 2 लाख साल पहले हुआ था और पेनीवाइज इंडेफिनिट टाइम तक जिंदा रहने वाला है। पेनीवाइज की फिजिकल फॉर्म को भले ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता हो, पर असली पेनीवाइज को कभी नहीं मारा जा सकता।
तो दोस्तों ये थे पेनीवाइज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फैन थ्योरीज। आपके पेनीवाइज के बारे में क्या विचार हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।